गांव में सैनिटाइज का भी काम किया जाए, फॉगिंग का भी काम किया जाए और सफाई का भी काम साथ साथ, लेकिन लोगों को धैर्य रखना होगा। धैर्य से ही हम जीत सकते हैं ये जंग। और जीविका दीदी को इसके लिए, जीविका को इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है पंचायती राज के द्वारा कि आप पर्याप्त मास जो है गांव पंचायत और प्रखंड लेवल पर उपलब्ध करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, में हूँ आपके साथ शिवम। एक बार फिर से बिहार में जो कोरोना का कहर है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, ऐसे में बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि पंचायती राज विभाग के तरफ से हर एक ग्रामीण इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें मास्क जो है वो पंचायती राज विभाग जो है वो उपलब्ध कराएगी। इसकी जानकारी पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। पंचायत लेवल पे भी आप लोगों ने, आप लोगों के द्वारा मास्क बांटवाने की जो कार्य है वो कब से शुरू होगी और कौन लोग जो है कि वो घर घर जाके मास्क? देखिए, एक से दो दिनों के अंदर मुखिया और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मास्क का वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। और जीविका दीदी को इसके लिए, जीविका को इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है पंचायती राज के द्वारा कि आप पर्याप्त मास्क जो है गाँव पंचायत और प्रखंड लेवल पर उपलब्ध कराएँ। और हम पूरी तरह, जिस तरह पिछली बार प्रत्येक लोगों को चार चार मास्क दिए गए थे, इस बार 6 से 8 करने की तैयारी है। और गांव में मास्क पहने लो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गांव में भी हम लोग चाहते हैं कि गांव, जिस तरह शहर में लोगों को मास्क जरूरी है, उसी तरह वहां पर गांव में भी लोगों को मास्क उपलब्ध हो। और सारी व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ सैनिटाइज के लिए लोगों को साबुन पूरा उपलब्ध कराया जाए। और गांव में साथ ही साथ इसका भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि गांव में सैनिटाइज का भी काम किया जाए, फॉगिंग का भी काम किया जाए और सफाई का भी काम साथ साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि सफाई और स्वच्छता का अभियान लगातार गांव में चलते रहे, तो इस अभियान के साथ साथ इन लोग काम को, कार्यों को भी हम लोग करने का काम करेंगे। सर, अब शहरी इलाके से भी अब ज़्यादा जो ग्रामीण इलाकों में भी जो संक्रमण है वो काफ़ी फैल रहे, तो उसके लिए क्या कुछ एहतियात बरत? नहीं, उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंता कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी और डिप्टी सी एम हमारे लगातार इस पर बैठक, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि सरकार की चिंता है, पूरी तरह चिंतित है, लेकिन लोगों को धैर्य रखना होगा। धैर्य से ही हम जीत सकते हैं, ये जंग है। और इस जंग को जीतने के लिए बिहार के लोगों को भी पूरी तरह धैर्य रखकर और जो सरकार के गाइडलाइंस आते हैं उसको फॉलो करते रहें। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि अब हर एक ग्रामीण इलाके में जो जीविका दीदी हैं उनके द्वारा जितने भी ग्रामीण लोग हैं उन्हें मास्क का उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले बार भी जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो जीविका दीदी ने हर एक ग्रामीण इलाके में जाकर चार चार मास्क ग्रामीण वासियों को उपलब्ध कराया था। इसी तर्ज पर इस बार भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जीविका दीदी हर एक ग्रामीण इलाके में जाके मास्क उपलब्ध कराएंगी। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।